आज हम कुंडली में योग कारक प्लैनेट के बारे में समझेंगे कि आपके चार्ट में योग कारक प्लैनेट कोई है तो कौन सा है, इसको आप कैसे देख सकते हैं, खुद कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर इसका रिजल्ट क्या होगा। सो जैसे 12 राशियां हैं और हमने लगन के सीरीज में समझा था कि किसी भी पर्टिकुलर लगन के लिए किस तरह के हमें ट्रेड्स मिलते हैं, कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो हम ये देखेंगे कि हर लगन के लिए योग कारक प्लैनेट कौन सा है अगर है तो, और किस लगन के लिए योग कारक प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट योग कारक होता भी है या नहीं होता है। और जब हम ये देख लेंगे तो फिर हम इसके बाद देखेंगे योग कारक प्लैनेट का इम्पैक्ट क्या होता है, इसका आपको लाइफ में किस तरह के रिजल्ट देगा। स्टार्ट करने से पहले आपको रिवाइंड करा देता हूँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, ऐसे वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो अच्छा लगे तो एंड में से लाइक जरूर कीजिएगा। योग कारक प्लैनेट, जैसा कि नाम इसका अच्छा सा नाम बता रहा है कि योग कारक प्लैनेट वो होगा जो आपकी लाइफ चेंजिंग कैपेबिलिटी रखता है आपके चार्ट में। आप जैसे भी सिचुएशन में आपका बचपन रहा हो या जैसे भी सिचुएशन में आपका ओवरऑल हॉरोस्कोप का प्रॉमिस है, ये एक प्लैनेट आपकी पूरी लाइफ को टर्न अराउंड करने के लिए सफिशेंट है। आपने बहुत बड़े बड़े लोगों की स्टोरी सुनी होंगी कि वो कैसे बचपन में बहुत नॉर्मल सी लाइफ थी उनकी, या एक टाइम तक बहुत स्ट्रगल किया, फिर एकदम से कुछ ऐसा हुआ उनकी लाइफ में कि वो बहुत महान बन गए या उनकी एकदम प्रॉस्पेरिटी उनको मिल गई या ऐसा बिजनेस स्टैब्लिश हो गया जो उन्होंने कभी भी जीवन में नहीं सोचा था। योग कारक प्लैनेट की बिल्कुल इसी तरह की कैपेबिलिटी है। और योग कारक प्लैनेट को समझने के लिए जो इसकी डेफिनेशन है, तो कोई भी प्लैनेट अगर आपके बर्थ चार्ट में केंद्र और त्रिकोण भाव का एक साथ स्वामी बन जाए तो वह प्लैनेट आपकी कुंडली में योग कारक होता है। इसको आराम से डिटेल में समझेंगे। अगर आपको केंद्र और त्रिकोण का मतलब नहीं पता और आपको ये नहीं पता कि कैसे आप ये देख सकते हैं कि केंद्र और त्रिकोण का एक साथ स्वामी आपकी कुंडली में कौन है या नहीं है, सो हम प्लैनेट बाय प्लैनेट देखेंगे हर एक लगन के लिए कि कौन सा प्लैनेट किस लगन के लिए योग कारक है। और आपको अपना लगन पता होना चाहिए, कुंडली का पहला भाव लगन भाव होता है, सो आपको लगन भाव के हिसाब से जस्ट अपना लगन पता करना है कि उसके अंदर कौन सी राशि है। उस पर्टिकुलर लगन के लिए मैं आगे बताने वाला हूँ कि कौन सा प्लैनेट योग कारक है या नहीं है, तो आपको पता लग जाएगा। सो सबसे पहले बात करते हैं पहले मेष लगन की। मेष लगन की कुंडली में अब आप ऐसे देखिए केंद्र भाव कौन से हो, पहला, चौथा, सातवां और दसवां भाव। पहले भाव का लॉर्ड जो है इसमें मंगल है और दूसरे भाव का लॉर्ड जो है वो सॉरी जो चौथे भाव का लॉर्ड है वो है चंद्र, और जो सप्तम का लॉर्ड है वो है शुक्र, और दशम का लॉर्ड जो है वो है शनि। अब कहीं पर भी इन जो ये चार स्थानों के लॉर्ड है, केंद्र है, हम कह रहे हैं कि त्रिकोण का भी लॉर्ड होना चाहिए। इस कुंडली के लिए नेचुरली जो योग कारक है वो केंद्र त्रिकोण की डेफिनेशन को जो सफाइस करेगा वो लग्नेश है। तो लग्नेश हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है, इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि लग्नेश हमेशा योग कारक है, क्योंकि लगन भाव आपकी कुंडली का केंद्र भाव भी है और वो त्रिकोण भाव भी है। लगन तो है, लग्नेश की अपनी डेफिनेशन है, लग्नेश योग कारक के अलावा भी बहुत सारे कारकत्वों को पूरा करता है, तो हम यहाँ लग्नेश को कंसिडर नहीं करेंगे जो कि इस कुंडली में मंगल है। लेकिन इस कुंडली के लिए कोई और प्लैनेट योग कारक नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं होती कि कोई और प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण का एक साथ स्वामी बन जाए, क्योंकि पंचम का यहाँ पर जो लॉर्ड है वो है सूर्य, और जो यहाँ पर नवम का लॉर्ड है वो है जुपिटर यानी बृहस्पति। और इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि यहाँ पर चंद्रमा चतुर्थ का लॉर्ड है और पंचम का लॉर्ड जो है वो है सूर्य, तो ये दोनों मिलकर अगर ये एक स्थान में आ जाए तो मिलकर योग कारक हो जाते हैं। ये एक पर्टिकुलर प्लैनेट या योग कारक नहीं, अगर ये आपस में रिलेशन बनाए, एक दूसरे को दृष्टि दें मेष लगन की कुंडली के लिए, या एक साथ ये बैठ जाएं, एक ही स्थान पर बैठ जाएं, और बहुत अच्छी स्थिति होगी कि या तो पंचम में सूर्य की राशि में बैठ जाए, चतुर्थ में ये चंद्र की राशि में बैठ जाए, तो ये अति योग कारक हो जाते हैं। अति योग कारक, महायोग कारक, इसको भी कैसे भी समझ लीजिए कि योग कारक का कुछ 10 गुना इफेक्ट ये देना शुरू कर देते हैं अपनी दशा या अंतर दशा में। मेष लगन के बाद वृषभ लगन की कुंडली के लिए, वृषभ लगन की कुंडली इसका जो ओनर है वो शुक्र है, और यहाँ पर अब मैं सीधे आपको बताता हूँ योग कारक प्लैनेट कौन सा है। इस लगन की कुंडली के लिए जो नवम का लॉर्ड है
ये त्रिकोण भाव हुआ नवम भाव। नवम का जो लॉर्ड है वो है आपका शनि, 10 नंबर राशि यहाँ पर है, और 11 नंबर राशि यहाँ पर कर्म स्थान में दशम स्थान में है। दशम स्थान हुआ आपका केंद्र स्थान, तो शनि केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी एक साथ हो गया वृषभ लग्न की कुंडली के लिए। जो जहाँ लग्ने शुक्र है उसके लिए शनि अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम है, कैपेबिलिटी है, वो योग कारक है। और आप देखिए ब्यूटी एस्ट्रोलॉजी की यह कि सारी चीज़ें कैसे इंटरलिंक्ड हैं। शनि और शुक्र आपस में अति मित्र ग्रह हैं, जेनरिक फ्रेंड्स हैं वो, और इसीलिए देखिए शुक्र का जहाँ लग्नेश है, जहाँ पर आपकी पर्सनालिटी में शुक्र इम्बाइब है, वहाँ शनि आपको अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है, वो फ्रेंडशिप वहाँ तक आपको कैरी फॉरवर्ड होती है। आप किसी भी योग को किसी भी फॉर्मेट में आप देखना शुरू करिए, आपको एंड में सब कुछ इंटरलिंक्ड मिलेगा। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए केंद्र स्थानों का जो लॉर्ड है वो बुध है, पहले और चौथे भाव का, और सप्तम और दशम का जो लॉर्ड है वो है यहाँ पर जुपिटर यानी कि बृहस्पति। लेकिन कहीं पर भी ये केंद्र और त्रिकोण एक साथ लॉर्ड नहीं है। इस कुंडली के लिए बुध जो है वो नैसर्गिक योग कारक है, क्योंकि वो लग्नेश है। लग्नेश का जैसे हमने मेष लग्न की कुंडली में बात की कि वो अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम है, पर वो योग कारक वाले कॉम्बिनेशन कोई भी प्लैनेट और सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इस कुंडली के लिए कोई भी प्लैनेट लग्नेश के अलावा योग कारक नहीं हुआ। कर्क लग्न की कुंडली के लिए जो कि चंद्रमा की ओनरशिप है, यहाँ पर मंगल अति योग कारक है, क्योंकि मंगल यहाँ पर पंचम का लॉर्ड हुआ, 8 नंबर यहाँ पर कुंडली में मंगल का है, पंचम भाव में मंगल की ओनरशिप है, और दशम का लॉर्ड भी यहाँ पर मंगल है। सो कर्क लग्न की कुंडली के लिए मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, और चंद्र और मंगल की युति आप देखिए अंगारक योग बनाती है, या फिर चंद्र मंगल की युति से बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट मिलते हैं। सो कर्क लग्न के लिए मंगल अपने रिजल्ट्स देता है, अपनी ड्यूटीज को पूरा करता है, तो वहां पर भी वो मित्रता चंद्र और मंगल की इस योग कारक योग से भी झलकती है। सिंह लग्न की बात करते हैं, सिंह लग्न यानी जहां पर लग्न में 5 नंबर है वहां पर भी मंगल योग कारक है। अब देखिए जो सेनापति है जिसे मंगल कहते हैं, वो राजा सूर और जिसको रानी कहा गया है चंद्र, इनके जो लग्न है वहां पर दोनों में अपना ड्यूटीफुली जो ड्यूटी करने में सक्षम है, और यहाँ पर ये योग कारक है। तो किसी भी किंगडम के लिए, किसी भी राजा के लिए, किसी भी रानी के लिए मंगल सेनापति जो होता है वो महत्वपूर्ण है, और इन दोनों चार्ट्स के लिए मंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट टर्न आउट हुआ, क्योंकि मंगल सिंह लग्न में चतुर्थ का स्वामी है, क्योंकि 8 नंबर यहाँ चौथे भाव में आ जाएगा और नवम स्थान में यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा, तो सिंह लग्न के लिए भी मंगल बहुत योग कारक है। कन्या लग्न के लिए कोई प्लैनेट योग कारक नहीं है, लेकिन इस लग्न के लिए बुध सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे व्यक्ति आपको ज्यादा बोलते हुए भी मिलेंगे, ये बोलने में कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रांग है, बट बुध के अलावा क्योंकि लग्नेश है तो योग कारक तो है, वो अच्छे रिजल्ट देगा, बट इसके अलावा कोई और प्लैनेट योग कारक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्र के लॉर्ड हैं सो बुध और बृहस्पति हैं, जो कि कहीं पर भी किसी और त्रिकोण भाव की लॉर्डशिप नहीं रखते। सातवें तुला लग्न की बात करते हैं, तुला लग्न में अब आप देखिए अगेन तुला लग्न किसका ओनरशिप है, शुक्र इसका ओनर है, और यहाँ जैसे हमने वृषभ लग्न की बात की थी, तुला लग्न में भी शनि अपना फिर से रोल अपनी फ्रेंडशिप को दर्शाता है, और अगेन ये योग कारक है, क्योंकि तुला लग्न में 7 नंबर हुआ लग्न में, तो चतुर्थ में 10 नंबर आया और पंचम में 11 नंबर आया, तो शनि चतुर्थ और पंचम इन दोनों का लॉर्ड है, केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड हो गया, और यहाँ पर ये अच्छे रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा, इसके अंदर कैपेबिलिटी आ गई। सो शुक्र के लिए वाइटल प्लैनेट हो गया शनि, तो शुक्र के जो लग्न है वहां पर शनि से आप अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसकी दशा अंतरदशा में और उसके प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। अब 8 नंबर कुंडली यानी कि वृश्चिक राशि की बात करते हैं, वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगेन आप ये देखने की कोशिश करिए कि वृश्चिक 8 नंबर हुआ, चौथे भाव में कौन सा नंबर हुआ, चौथे भाव में नंबर हुआ 11, सप्तम भाव में नंबर हुआ 2, और दशम भाव में नंबर हुआ 5। सो यहाँ पर अगेन कोई भी प्लैनेट योग कारक नहीं है, लेकिन इसमें जैसे कि हमने मेष राशि के बारे में बात की थी, यहाँ पर भी दशम और नवम का लॉर्ड जो है वो चंद्रमा और सूर्य आ रहे हैं, इनका अगर आपस में लिंक आ जाए, ये एक साथ आ जाए, तो ये योग कारक दोनों मिलकर योग कारक हो जाते हैं, और ये राजयोग भी बनाने में सक्षम हैं। ये एक दूसरे को दृष्टि दें या एक दूसरे के साथ एक्सचेंज में हो या जैसे भी हो,
आपस में प्लेस हों, केंद्र त्रिकोण में जाकर बैठ जाएं, तो ये अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। सो अब बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन में भी केंद्र के जो लॉर्ड हैं वो बृहस्पति और बुध हैं। यहाँ पर भी बृहस्पति के अलावा कोई और प्लैनेट योगकारक नहीं है, कोई भी प्लैनेट को योगकारक की कैटेगरी को कोई क्वालिफाई नहीं करता। 10 नंबर मकर लगन की बात करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने तुला लगन और वृषभ लगन में कहा था कि शुक्र का फ्रेंड शनि है, तो अब शनि के लिए भी फ्रेंड शुक्र हुआ, तो ये आपको ना याद रखना बड़ा इजी रहेगा। इस तरीके से जब मकर लगन है तो 10 नंबर जब अगर लगन में आ गया तो 11, 12, 1, 2, 2 नंबर आया पंचम में, और दशम में आ गया 7 नंबर, तो इस कुंडली के लिए शुक्र योग कारक हो गया। तो शनि और शुक्र मित्र हैं, तो जहां पर लग्नेश शुक्र था वहां पर शनि योग कारक, और जहां पर शनि लग्नेश वहां पर शुक्र योग कारक, ये म्यूचुअल फ्रेंडशिप दोनों की है। 11 नंबर लगन है, वो भी शनि की राशि है। शनि की राशि में अगेन अब तक आप खुद ही समझ गए होंगे कि शुक्र योग कारक है, वो कैसे है। यहाँ पर चतुर्थ का लॉर्ड जो है वो शुक्र हो गया और नवम का लॉर्ड शुक्र हो गया, तो शुक्र इस कुंडली के लिए योग कारक हो गया। 12 नंबर की कुंडली में अगेन बृहस्पति की ओनरशिप आई और बुध की ओनरशिप आई सारे केंद्र स्थान की, लेकिन ये किसी और त्रिकोण की ओनरशिप नहीं रखते, तो यहाँ पर भी कोई प्लैनेट योग कारक नहीं हुआ लग्नेश के अलावा। लग्नेश तो स्वयं अच्छे रिजल्ट देता है योग कारक होने के अलावा भी। सो ये 12 राशियों में योग कारक प्लैनेट्स की डेफिनेशन थी कि कौन सा प्लैनेट किस कुंडली के लिए योग कारक है। अब योग कारक कोई प्लैनेट है तो अब आपको अगर इसके अच्छे रिजल्ट्स निकालना है कि कैसे निकलेंगे, तो आप ये देखिए कि इन योग कारक प्लैनेट्स का प्लेसमेंट कैसा है। क्या ये उच्च के हैं तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, ये नीच के हैं तो ये रिजल्ट अच्छे नहीं देंगे, या ये अपने रिजल्ट इनके थोड़े से नॉर्मलाइज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं तो अपना योग कारक होना ये और सफल कर देते हैं, क्योंकि ये और एम्पावर करते हैं कुंडली को, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर देते हैं अपने रिजल्ट्स। लेकिन अगर ये 3, 6, 8 या 12 भाव में है जहाँ पर स्ट्रगल है, जहाँ पर लॉसेज हैं, तो ये उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। अगर ये शुभ ग्रहों से युति करते हैं, स्ट्रांग प्लैनेट से युति करते हैं, ऐसे प्लैनेट से युति करते हैं जो अपनी ही राशि में बैठा है, तो ये और स्ट्रांग रिजल्ट देंगे ये योग कारक प्लैनेट, वरना इन रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। सो ये योग कारक प्लैनेट्स का ओवरऑल एक इनसाइट था। अब अगर आपको योग कारक प्लैनेट को और इन्हांस करना है तो आप क्या कर सकते हैं। सपोज कर्क लगन के लिए मंगल योग कारक है, तो क्या हमें इसका स्टोन पहनना चाहिए। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी डिग्री क्या है, ये ऑलरेडी कैसी स्टेट में है। अगर ये कहीं पर फंसा हुआ है प्लैनेट, फंसा हुआ मतलब किसी गलत ग्रह से होती है, तो आपको इसे उभारना है, आप इसका स्टोन पहनिए। अगर ये ऑलरेडी अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो ज़बरदस्ती स्टोन पहनने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप और चीज़ें कर सकते हैं जो कि मंगल का दान हो गया, और इससे अपने प्लैनेट को और इन्हांस कर सकते हैं। सो ये बहुत शॉर्ट में रेमेडीज़ हैं। ओवरऑल कुंडली में सारा कुछ देखे बिना कोई रेमेडी सजेस्ट नहीं की जा सकती, तो इसलिए जैसे ये हिंट है, ये हेल्प करेगा इंडिविजुअल प्लैनेट को एनालाइज करने में किस तरह रिजल्ट देगा अपनी दशा अंतर दशा में। और योग कारक प्लैनेट की अगर दशा आ जाए, महादशा आ जाए, ऐसे में जातक जो है एक अच्छे पद पर, एक अच्छी पोजीशन पर, प्रोफेशनल प्रोफेशन में, एजुकेशन में कहीं ना कहीं एक्सेल करके दिखाएगा, या कहीं पर वो जो उसने लाइफ में ड्रीम किया होगा वो उसको एकदम से अचानक मिलना शुरू हो जाएगा। सो योगकारक प्लैनेट में बहुत पोटेंशियल होता है। कुंडली में अगर आप एनालाइज करें तो योगकारक प्लैनेट को ज़रूर देखें और उसके अकॉर्डिंगली इसको माइंड में रखकर ही प्रिडिक्शन दें। जल्दी आएंगे ज्योतिष में नई वीडियो के साथ नए टॉपिक को देखने के लिए। अगर आपको ऐसे ही एक विपरीत राजयोग कॉम्बिनेशन है, अगर आप विपरीत राजयोग के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कैसे बनता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक योग है, तो आप ये टाइल को क्लिक कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। तब तक के लिए नमस्कार।